हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे सामने आप प्रेजेंट ऑल न्यू टीवीएस की रेडर 125। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको हम इसका फाइनेंस ऑफर बताने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ है यहाँ पे राहुल भैया, जो कि आज के इस वीडियो में हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके यहाँ पे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगी रेडर से, फाइनेंस से रिलेटेड। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है 2023 का। तो सबसे पहले राहुल भैया, आप ये बताइए कि इस बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना जा रहा है? इस पर 1,13,100 रुपया है 1,13,100 फाइनेंस में रेट है। फाइनेंस में तो ओवरऑल में अगर हम इसका डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट में? 25 से 30 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट में हो जाएगी। 25 से 30 में भी हो जाएगी। प्लस स्कीम में आपको 4 साल की मिल जाएगी, 5 साल की भी मिल जाएगी। 4 और 5 साल का भी? 4 से 5 साल का भी टेन्योर मिल जाएगी आपको। तो ये जो बेनिफिट है ये हमें टीवीएस क्रेडिट में ही देखने को मिलेगा। टीवीएस क्रेडिट में ही है, सिर्फ 4 से 5 साल का। अपाची और राइडर में, अपाची और राइडर में दोनों में। और अगर अदर ब्रांड्स की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे कंपनी जो फाइनेंस करती है वो चीज में नहीं है। 4 साल 5 साल वो किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। तो अगर हम ईएमआई की बात करते हैं तो ईएमआई हमारा कितना बन जाएगा इस बाइक के लिए? एवरेज 2,000 से 2,500 के आसपास, 2,000 से 2,500 के अप्रोक्स में आ जाएगी ईएमआई आ जाएगी। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या लेकर आना होगा? बस सिंगल आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, बस जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बस वही सिंपल। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक बस। टाइम कितना लग जाएगा बाइक फाइनेंस करने में? विद इन 1 आवर। 1 आवर में? 1 आवर में सारा से प्रोसेस। अगर बेटर रहा, सिविल अच्छा रहा तो आधा घंटा में भी छोड़ देंगे, हाफ एन आवर। अच्छा, ये था यहाँ पे एक आपका रेडर 125 का यहाँ पे फाइनेंस ऑफर, जिसमें कि आपको यहाँ पे हमने डिटेल में बता दिया है इस बाइक से फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी आपकी डाउट्स थे वो मैं होप करता हूँ क्लियर हो गई हो। मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।